हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज पृथ्वीराज कुमावत। और बच्चों, अपनी क्लास में जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था इंग्लिश ग्रामर का नरेशन। क्या था बच्चों? नरेशन, जिसे रिपोर्टिंग वर्क, रिपोर्टेड स्पीच दो पार्ट में बांटा गया था, डायरेक्ट नाइट के नाम जाना जाता है। तो बच्चों, इसको आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, आप ध्यान से समझिएगा, हम इसमें पढ़ रहे थे, हमने देख लिया था, एक बार थोड़ा सा बैक हम जा करके देख लेते हैं कि पुराने टॉपिक में हमने क्या क्या देखा था पुराने वीडियो में, तो आपसे टॉपिक लैप्स नहीं होगा, ठीक है बच्चों। और पुराने वीडियो को आप देख सकते हैं बैक गैलरी में जा करके। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि नरेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन, जिसको हमने शॉर्ट में किया था DN और IN, ठीक है बच्चों, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। और ये बताया था कि हमारे सिलेबस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कई रूल्स थे, ठीक है बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था आपको सेड या सेड टू को बदलना, यानी उसमें था हमारे से दे रखा, सेज दे रखा था, मैं एक बार ऐसे आपको बता रहा हूँ लाइटली, सेड 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 टू, ठीक है, इनको बदलना बताया था, जिसमें हम कई तरह से बदले थे, से का से हुआ था, सेज टू का टेल हुआ था, सेड का सेड, सेड टू का सॉरी टॉल्ड हुआ था, ओके। फिर मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ना, रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ना। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे बच्चों, वो कौन सा पढ़ रहे थे? वेरी गुड, कौन सा पढ़ रहे थे? स्टेटमेंट। हम पढ़ रहे थे स्टेटमेंट, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसमें आ जाते हैं, ठीक है बच्चों, रूल्स दोनों एक है। तो स्टेटमेंट में हमने देखा था इसको जोड़ते हैं दैट से, दूसरा रूल था। तीसरा रूल हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे, जो अब चलेगा वापस से, मैं आपको वापस से मैं आपको बताऊंगा, इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ बच्चों, ठीक है। तो हमने देखा था सेड सेड टू बदलना, कनेक्टिव वर्ड दैट लगाना, जो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, STATEMENT, स्टेटमेंट सेंटेंस होते हैं ये। स्टेटमेंट सेंटेंस में हमने देखा था टू चेंज, यानी कि डायरेक्ट जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो टू चेंज रिपोर्टेड स्पीच, यानी RS में परिवर्तन, जिसमें हमने तीन तरह के परिवर्तन करने थे। पहला देखा था हमने टू चेंज प्रोनाउन, ये देखा था बच्चों। दूसरा, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड टू चेंज वर्ब, क्रिया, टेंस, टाइम, ठीक है। और थर्ड जो इसमें आएगा वो आ जाएगा टू चेंज डिस्टेंस। ये था बच्चों हमारा, जो हम लोग हम देख रहे थे, टू चेंज पर्सन, टू चेंज वर्ड, टू चेंज डिस्टेंस, जिसमें हमने क्या किया था, टू चेंज प्रोनाउन हम सीख रहे थे। तो मैं आपको पहले यही सिखाऊंगा, टू चेंज प्रोनाउन, जिसका चार्ट हमने बनाया था पहले, एक बार फिर से मैं चार्ट बनाता हूँ और आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, इधर बनाता हूँ मैं चार्ट ताकि अच्छे समझ में आपको। देखिए, यहाँ पर बनाया मैंने प्रोनाउन चार्ट जो बनता है, और आपको बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए प्रोनाउन चार्ट। इस प्रोनाउन चार्ट के अकॉर्डिंग ही जो है आप प्रोनाउन संबंधी चेंज कर सकते हैं। तो हमने बनाया था आई, माय, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, She, her, her, it, it's, it, they, their, them। देखो बच्चों, ये था हमारा प्रोनाउन चार्ट, इसमें ये देखो पार्ट बनाए गए थे अलग अलग। ये फर्स्ट पार्ट था, इसको फर्स्ट पर्सन के नाम से जानते हैं, किस नाम से? फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पार्ट यू, योर, यू, इसको हम बोलते हैं सेकेंड पर्सन। थर्ड पार्ट ही से लेकर के दे, देयर, देम, इसको कहेंगे थर्ड पर्सन, ओके। तो आपको तो पर्सन याद रखना है, और एक चीज और याद रखनी है कि इस तरह से ये फर्स्ट लाइन सब्जेक्ट होती है, सेकंड लाइन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होती है, थर्ड लाइन ऑलवेज बी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा प्रोनाउन चार्ट है। अब देखिए रूल्स पे आते हैं, एक सेंटेंस फिर से बनाता हूं मैं। राम सेड टू मी, आई विल
help you. ओके बच्चों, आई विल हेल्प यू स्टेटमेंट का सेंटेंस है. तो देखिए रूल्स बनाते हैं हम जो कर रहे हैं टू चेंज प्रोनाउन. तो कहने का मतलब यह है जब हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच वाले, कौन से बच्चों? रिपोर्टेड स्पीच वाले. देखो ये तो कौन सा पार्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब है. देखो मैं यहां पर और लिखता हूं, इसको अच्छे समझ में आएगा. राम सैड टू मी आई विल हेल्प यू. देखो बच्चों ये जो पार्ट है ना, इधर वाला राम सैड टू मी, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब. और ये जो पार्ट होता है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच. तो ये जो हम कर रहे हैं किसमें चेंज कर रहे हैं? रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में चेंज करेंगे, क्योंकि हमने यहां देख लिया था सेट या सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं. सेट का सेट, सेट टू का टोल्ड, कनेक्टिव वर्ड दैट, इतना बना एक बार. देखो राम का राम रह जाएगा, ठीक है. राम सेट टू का क्या होगा? टोल्ड होगा. तो भाई टोल्ड ही क्यों होगा ये बताइए? टोल्ड ही क्यों होगा? क्योंकि ये सेंटेंस स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट में क्या होता है? सेट का सेट रहता है, सेट टू का टोल्ड होता है. वेरी गुड. और मी ऐसे कैसे आ जाएगा? देन कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे और क्या जोड़ देंगे? कनेक्टिव वर्ड दैट जोड़ देंगे. क्लियर है? यहां तक समझ में आया आपको? ओके. अब देखिए यहां से समझा रहा हूं मैं. देखो यहां प्रोनाउन कौन कौन है? देखो आई प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है. जिसको चार्ट समझ में, चार्ट ने एक बार लर्न कर लिया आप लोगों ने लिख करके, तो समझिए प्रोनाउन पहचान आ जाएगा. इधर हमें प्रोनाउन से मतलब नहीं है, ये सब्जेक्ट है, बस ये ध्यान रखना है. ये तो कौन है? सब्जेक्ट है. ये कौन है? ऑब्जेक्ट है. ठीक है बच्चों, राम सब्जेक्ट है, राम सेट टू के बाद आएगा ऑब्जेक्ट. समझ में आया? तो देखिए वो रूल्स लिख रहा हूं. डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में प्रोनाउन संबंधी शब्दों को या वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा. एस ओ एन बटा एक दो तीन, सन बटा वन टू थ्री. मैं समझाऊंगा अभी आपको, बहुत अच्छा रूल है ये, के नियम से बदलते हैं. क्या करते हैं? बदलते हैं. देखिए एस ओ एन अपॉन वन टू थ्री का रूल्स फॉलो करना पड़ेगा आपको. किसमें? जो रिपोर्टेड स्पीच वाला जो सेंटेंस होगा उसके प्रोनाउन के अंदर. तो देखिए बच्चों एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है सब्जेक्ट. अब ये सब्जेक्ट नहीं है, बटा दे रखा है, यानी एस बटा वन. कहने का मतलब एक जो है ये पर्सन होते हैं, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज है. यानी एस को एक पर्सन या फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये है एस का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार. ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार. और एन का मतलब होता है नो चेंज, यानी कि नहीं बदलना, नो चेंज. अब देखिए मैं एरो लगाता हूं इस तरह से. वन वन जो दिया गया इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन. दो जो दिया गया है यानी कि सेकंड पर्सन. और जो तीन दिया गया है इसका मतलब है थर्ड पर्सन. ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू चेंज कैसे होगा. फर्स्ट पर्सन को लिसन केयरफुली. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन इज नो चेंज. क्लियर है? ओके. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन नो चेंज. तो देखो बच्चों आपको यहां आना पड़ेगा वापस. देखिए यहां पर ये हमने चेंज कर दिया, दैट आ रखा है, आई विल हेल्प यू. तो देखिए प्रोनाउन यहां पर कौन है? आई. अब आपको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा जो मैं आपको समझा रहा हूं. तो एक बार मैं वहां से इरेज करूंगा, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, अभी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं समझाता हूं. यहां का स्क्रीनशॉट कंपलसरी है, फिर मैं आगे यहां से मिटा के बताऊंगा. ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया? ठीक है, अब समझिएगा आप यहां से. इतना ही मिटाऊंगा, देखो ताकि समझ में आ जाएगा. देखो यहां देखिएगा, आई
आई की फैमिली पूरी उठा लो, आई माय मी, आ गया, आ गया ना आपको। अब देखिए बच्चों प्रोनाउन चार्ट में आई किसमें आ रहा है, कि कौन से है, फर्स्ट पर्सन में आता है, किसमें आता है, फर्स्ट पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज सब्जेक्ट। तो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, ये आरबी में मिलेगा। बच्चों देखो ये किसमें मिलेगा, आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस में, और ये किसमें मिलेगा, आर एस यानी रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट कौन है, राम। देखिए यहाँ सिर्फ प्रोनाउन यूज होते हैं राम। राम जो है वो एक नाम है किसका, मेल पर्सन का। तो मेल पर्सन का नाम है तो प्रोनाउन क्या आ जाएगा, ही। तो ही की फैमिली को भी उठाओ, तो देखिए यहाँ मैंने लिखा ही, यहाँ लिखा मैंने हिज, और यहाँ हिम। आपको सर ऐसा क्यों, आपने तो आई चेंज करना था, आपने पूरा ही लिख दिया यहाँ पर। तो बच्चों देखिए समझिएगा, बहुत बारीकी से बता रहा हूँ, अगर आप ये समझ लिए तो ढंग से ये समझ लिया आपका 40% नरेशन कवर। समझ में आया, हाँ। तो देखिए यहाँ से आई को बदलना है हमें, तो एस ओ एन अपॉन 1 2 3 रूल चल रहा है, एस ओ एन अपॉन 1 2 3 सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू चेंज, और सॉरी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज राम, राम प्रोनाउन ही, हिज फैमिली ही इज हिम। अब हम बदलना किसको है, अब देखिए जो जिसका साथी होगा वो उसी से मिलेगा। सपोज दैट फैमिली में हमारे तीन मेंबर हैं, तीन मेंबर का बोले होते बहुत सारे, तीन मेंबर कैसे, जैसे हम हैं, हमारे पिताजी हैं और हमारे दादाजी हैं, ठीक है। तो दादाजी का कोई अगर फ्रेंड आ जाएगा घर पे मिलने के लिए और दादाजी नहीं है, तो क्या आप वो आपसे मिलेंगे, आपके पास बैठेंगे, जो दादाजी से बात करनी वो आपसे कहेंगे, नहीं कहेंगे। जाहिर सी बात है वो इतना सा कहेंगे कि ठीक है बेटा बोल देना दादा को मैं आया था, इतना ही बोलेंगे और वो चला जाएगा। तो होंगे तो मिलेंगे, पिताजी के फ्रेंड आएंगे तो हमसे मिलेंगे क्या, ना हमसे थोड़ी बात करेंगे, बस जितनी बात जो बात पिताजी से करनी है पिताजी से करेंगे। तो जो जिसका फ्रेंड होगा वो उससे ही मिलेगा, आपको यहाँ पे भी यही ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर, ओके। देखिए कौन है यहाँ पर, आई। अब यहाँ पर आई कौन है, येरा। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने एरो लगा दिया इस तरह से, तो आई के बराबर में कौन आ रहा है, ही। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या लगा देना है, ही लगा देना, बस चेंज हो गया प्रोनाउन। अब यहाँ पर क्या है, विल, विल की जगह छोड़ दो, हेल्प, हेल्प की जगह छोड़ दो। अब आ गया यू, अब आपको और समझना है बहुत ढंग से। देखो यू कौन सी फैमिली है, यू योर यू। देखो मैंने यहाँ लिख दिया यू योर यू, अब सब गड़बड़ स्टार्ट हो गई। कैसे गड़बड़ यह हो गई कि आप यहाँ चाहे आप दादाजी समझ लो, ये पिताजी समझ लो, और ये हम हैं, तो यहाँ तो दो एक शकल के आ गए, तो साहब कैसे पहचानेंगे। हाँ बोले साहब पहचान जाएंगे, दादा तो बुड्ढे होते हैं, लेकिन आज के दादा बुड्ढे नहीं होते, आज छोटे छोटे दादा भी होते हैं, होते हैं ना, हाँ। तो देखिए बच्चों बात करते हैं हम लोग कि हमारा ये वाला यू है कौन सा। तो देखिए ध्यान देना, यहाँ मैंने फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा है एस सब्जेक्ट, ठीक है। तो बच्चों सब्जेक्ट हमेशा कहाँ मिलता है, वर्ब के पहले मिलता है, कहाँ मिलता है, वर्ब के पहले, ठीक है। और लास्ट लाइन कहाँ क्या लिखी है मैंने, ये ऑब्जेक्ट। और बच्चों देखो ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है, वर्ब के बाद में, कहाँ मिलता है, वर्ब के बाद। तो देखिए हो गई बात पहचानने वाली, ये क्या है, हेल्प क्या है, वर्ब है, क्रिया है, तो क्रिया के बाद में यू मिला है, तो मतलब यू कौन सा हो गया, ये वाला यू। तो हमें यहाँ इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पहचान, तो कौन सा है ये, तो हम इसको उठा देते हैं एक बार, हमें इसी को चेंज करना है, बस ये पहचान कर लीजिए। अब अपने सूत्र पे आ जाओ, पैटर्न पे आ जाओ, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है बच्चों, देखिए ऑब्जेक्ट कौन है सेंटेंस के अंदर, ढंग से समझिएगा आप, सेंटेंस कौन आ रहा है, मी, कौन आ रहा है, मी आ रहा है, ओके। अब मी आ रहा है तो हम यहाँ एक बार आई की लाइन में आता है मी, तो आई माय और मी, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो यू जो है बदल रहे हैं, तो यू यहाँ पर है, तो यू के बराबर में कौन आ जाएगा, वेरी गुड, मी आ जाएगा। आया समझ में आपको, अभी दोबारा से मैं समझाऊंगा, एक बार आप इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पूरा इरेज करके मैं आपको पहले टू चेंज प्रोनाउन ही समझाऊंगा। इज दैट क्लियर, ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और अपनी कॉपी में भी इसको लिखिएगा स्क्रीनशॉट लेने के बाद में सभी बच्चे, ओके, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, चलिए, ओके। बच्चों नरेशन पार्ट बहुत बड़ा होता है, इसमें हमें प्रोनाउंस पढ़ने पड़ते हैं, हमें इसमें टेंसेस पढ़ने पड़ते हैं, हमें इसमें वर्ब की जानकारी लेनी पड़ती है, मतलब बहुत
कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें इस नरेशन के साथ साथ जो है वो कवर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं बताता हूँ आगे। हम कर रहे हैं टू चेंज प्रोनाउन, क्या कर रहे हैं? टू चेंज प्रोनाउन। तो देखिए कुछ सेंटेंस में यहां पर लिख रहा हूं और आपको प्रोनाउन चेंज करने का तरीका बताता हूं। पहले तो उसी सेंटेंस को लेता हूं जो मैंने पहले लिखा था, लेकिन थोड़ा चेंज है। देखिए, राम सैड टू मी आई विल हेल्प यू व्हेन यू आर इन ट्रबल, व्हेन यू आर इन ट्रबल। तो बच्चों सेंटेंस की पहले आइडेंटिफाई करो सेंटेंस को कौन सा है, स्टेटमेंट है। वेरी गुड, कौन सा है? स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट है तो देखिए हमें पता है यहाँ तो राम लिख देना है। ठीक है, अब सेड टू दे रखा है स्टेटमेंट में, सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड, शाबाश। और मी ऐसे कैसे आ जाएगा? कनेक्टिव वर्ड क्या आ जाएगा स्टेटमेंट का? हमेशा क्या आता है? दैट आता है। अब आ जाइए है प्रोनाउन संबंधी चेंज करेंगे हम लोग। तो देखिए प्रोनाउन कौन कौन है, आई है, यू है और फिर से यू है। बहुत डीपली समझिएगा, बहुत अच्छा तरीका सेंटेंस बता रहा हूँ। ये सेंटेंस में हमें एक यू वाली प्रॉब्लम क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो देखिए पहले आई को चेंज करते हैं। देखो मैं आई से लिखूंगा आई माई मी। देखिए आप क्या करेंगे, जो पहले यहाँ पर होना उसको पहले लिख लो, चाहे माइंड में सेट कर लो। ठीक है, अब हमारे पैटर्न पे आ जाओ। एस ओ एन अपॉन वन टू थ्री। आई कौन सा पर्सन आता है? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट इज राम। तो राम का प्रोनाउन क्या है? ही हिम। बदलना किसको है? आई को। बस ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्या कर देंगे यहाँ पर? ही कर देंगे। आया समझ में? अब तो बैठ गया माइंड में अच्छे से। ओके, अब देखिए विल है, विल की जगह छोड़ दो, हेल्प की जगह छोड़ दो, फिर से यू आ गया। अब यू लिखो यहाँ पर, यू योर यू। अब देखिए यू पर्सन कौन सा है? सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? मी। किसकी लाइन में आता है ये? शाबाश, आई की लाइन में, आई माई मी। अब मैंने आपको बताया था यू की पहचान करना, अगर वर्ब के बाद आ गया यू तो कौन हो गया? ये ऑब्जेक्ट वाला। अगर वर्ब से पहले आ गया यू तो कौन हो गया? ये सब्जेक्ट वाला। तो देखिए यहाँ पर किसके है, यहाँ वर्ब नहीं है ना, ये देखिए हेल्प, तो वर्ब के बाद आया तो कौन सा है? ऑब्जेक्ट। तो कौन आ जाएगा? एरो बना दीजिए मी। तो यहाँ क्या करेंगे? मी लिख देंगे। बच्चों वैन एक कनेक्टिव वर्ड है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर आगे यू आर इन ट्रबल, तो देखिए फिर से मैंने यू लिख रखा है। तो अब देखिए यू के बाद या पहले क्या है? पहले कोई वर्ब नहीं है, वैन है, कनेक्टिव है, तो आर क्रिया है, वर्ब है ना। तो देखो वर्ब के पहले आ रहा है तो वर्ब कहाँ है? ये नहीं, तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट यानी ये वाला, वही है एस वन अपॉन वन टू थ्री। अकॉर्डिंग चेंज ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन आ रहा है? यहाँ पर मी था, मी किसकी लाइन में? आई की लाइन में। तो अब यू के बराबर में कौन आया? आई आ गया। तो क्या कर देंगे? आई कर देंगे यहाँ पर, आई डैश डैश और इन ट्रबल, ऐसे कैसे आप कर सकते हो? टी आर ओ यू बी एल, क्योंकि ये कोई वर्ड वैसे वर्ब में नहीं आ रहा। तो बच्चों देखिए ये है सेंटेंस जिसको हम लोग चेंज करना सीख सकते हैं टू चेंज प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। आप इसके चार पांच सेंटेंस कीजिएगा, मैं अभी बोर्ड पे लिख देता हूँ, उसके बाद आपके आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, मिटा दे इसको, हाँ ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लीजिए। ओके, देखिए आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, इधर कोई भी प्रोनाउन आ जाए, माय ब्रदर, माय सिस्टर, तो यहाँ पर वो वैसे के वैसे रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से मतलब है, यहाँ पर रिलेटिव वर्ड प्रोनाउन चाहे रिलेटिव हो चाहे कैसे, उस रिलेटिव से मतलब है, बाकी किसी और से मतलब नहीं है। क्लियर है ना? मैं अभी सेंटेंस देता हूँ आपको, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा टू चेंज टेंस वर्ब। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है तो समझ में आ जाएगा। देखिए पहला सेंटेंस, राम सैड He has completed
He has completed his work. He has completed his work. दूसरा सेंटेंस, आपको सिर्फ प्रोनाउन बदलने हैं बच्चों, ध्यान रखना सेड या सेड टू कनेक्टिव वर्ब, ओके, आपको और कुछ नहीं करना है। पहले माय ब्रदर, माय फादर सेड टू मी योर फ्रेंड इज अ गुड बॉय, ठीक है। आपको प्रोनाउन से मतलब है, मैंने पहले ही कहा है, और यहाँ पर मेन सब्जेक्ट से मतलब है, ऑब्जेक्ट से मतलब है, ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट लिखता हूँ थर्ड सेंटेंस, शी सैड टू हर सन, शी सैड टू हर सन You got faster position in your class. एक सेंटेंस और देता हूँ और My brother said to my sister you are a good girl, ओके बच्चों। तो ये चार सेंटेंस है, आपको प्रोनाउन संबंधी चेंज करना है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बताएंगे आपको टू चेंज टेंस टाइम वर्ब, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, तब तक गुड डे, गुड बाय।